الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایران ہوئے کے سلسلہ میں فنکس فورم کی مہانہ نشست انچاس کا آغاز ہوا جاتا ہے اور اس نشست کا آغاز ہم تلاوت اقبال پاک سے کرتے ہیں تلاوت اقبال پاک سے پہلے میں آج کی مجلس کے صدر جناب خواجہ مسعود اختر صاحب سے مجلس ہوں گے اور اسٹیج پہ آئے جناب خواجہ مسعود اختر صاحب دعوت کلام پاک کے لیے حافظ عبدالرحیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں جو اسٹیج پہ آئے اور ہمارے دلوں کو مل मेरे अमल है बजने लगा
अब आप अगर हिस्ट्री को देखें मुसलमानों की, तो बगदाद की तबाही, ख्वारिज्म की तबाही, उसके बाद जो है ये तुर्कियों की और ईरानियों की, सफ़वियों की और उस्मानियों की जंग, और औरंगजेब की यहाँ पे गोलकंडा और बीजापुर की हुक्मरानों के साथ जंग की, मुगल सल्तनत को बिल्कुल ले भी बैठे, और उसके बाद जो मुसलमानों का हाल हुआ है वो आप लोगों के सामने है। सो हमारी एक तारीख है जिसमें हमने एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हमने पहुँचाया है, और देखने की बात ये है कि ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ये दोनों शख्सियात जो है अलामा इकबाल और कायदे आज़म, ये किस तरह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं, और दोनों अलामा अपने मसले के ऊपर या जो भी खलीफ के ऊपर है, सुन्नत के अकीदे के ऊपर भी उन्होंने अपना वफात पाई, और कायदे आज़म डाइड एज़ अ शिया। सो व्हाट वाज़ द थिंग, उनके जो जिस चीज़ के ऊपर वो कटे हुए आ गए, दोनों को ये मालूम था कि हमारे जो है यहाँ पर इस्लाम के अंदर मुसलमानों में 72 फ़िरके जो हैं वो बन चुके हैं, इसलिए दोनों ने कभी किसी फ़िरके की बात नहीं, और वो सब के सब फ़िरके जो हैं आपके यहाँ पर ही मौजूद हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, इतना ज़्यादा फ़िरका पूरी इस्लामी दुनिया में कहीं है, जितना 72 से भी 90 सौ का फिर ज़्यादा ही मांगे हैं। अब मकसद ये है कि वो क्या चीज़ थी वो इस्लाम की या मुसलमानों की जिस असूल के ऊपर वो बैठे, और उसमें जो है वो अलामा जो है वो फ़र्क करते हैं मज़हब और दीन के। मज़हब जो है वो आपकी एक साथी जो है वो पैदा है, जो कि आप अपने इस्लाम के साथ होने से या किसी भी मज़हब के साथ एफिलिएट होने से आप लोग को रखते हैं, और दीन वो असूल हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं आपकी सारी कम्युनिटी को और सारी ह्यूमैनिटी को। सो इकबाल और कायदे आज़म को दीनों के दीन के उन असूलों के ऊपर बैठे, और इकबाल ही कायदे आज़म को यहाँ पे जैसे उनको लाने वाले थे, क्योंकि उनको पता था कि कायदे आज़म के अलावा जो है पाकिस्तान या इस मकसद को जो है वो कोई हासिल नहीं कर सकता, और वो चीज़ जो थी वो कायदे आज़म ने साबित की। और मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे घरों में, चाहे वो डॉक्टर जुवेद इकबाल का घर हो या मेरे वालिद का खाना, कायदे आज़म का स्टेटस जो है वो अलामा से हमेशा ऊपर रहा है और ऊपर रहे, क्योंकि खुद इकबाल कहते हैं कि ला तकीम सर जे एक कलीम सर पे कफ, और कायदे आज़म मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन होता है वो हमेशा जो है वो सोचने वाले और गौर फिक्र करने वाले लोगों के उनके ऊपर वो भारी होता है, क्योंकि वो काम कर गुजर है जो कि वो दीन जो है या सोचने वाले फलसफी हैं वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है आपको अगर यहाँ पर पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा फिक्र भारी हो चुकी है, अगर कोई चीज़ इकट्ठी कर सकती तो ये भी कर सकता है असूल जो है दीन के आपको, और ये मिसाल आपकी जो है वो कर सकती है, क्योंकि कोई किसी को जरूरत नहीं अपने आप में कोई बिलीफ अपनी रखी तो पेशा करते हैं। आपने 47 के अंदर ये साबित किया कि आपके 80% जो है यहाँ पे मुसलमानों के जो है वो एज ए सुन्नत के मतलब तरीके से लोग हैं वो सारे लगे के नहीं कायदे आज़म के पीछे, इंक्लूडिंग एक बात, और ये चीज़ है कि हम अपना जो मजहब और दीन के अंदर जो भी है उसको हम रखे अपने अंदर मौजूद है, लेकिन इकट्ठा जो होना है आपको इसी असूल के ऊपर या इसी के ऊपर आपको होना पड़ेगा, अगर नहीं हो गया तो आपने या आपके सामने जो कुछ हो रहा है और आगे को जो होना है उसका तो फिर आप मजे नहीं कर सकते। अगर आप हमारे यहाँ के जो है वो तारीख पढ़ाने बंद कर दी गई और इस्लामी तारीख को कि जो हकूकते हैं जिस तरह जो हमने किसी को डैमेज किया वो तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, न स्कूलों में पढ़ाया जाता है या किसी और ऐसी किताब जो कोई इतने बयान कर दिया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि वो फलाने फिरके से ताल्लुक़ रखती है, इसका फलाना फिरके से जो है वो ताल्लुक़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहायत ही अहम जो है वो
अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर इस किस्म का जो एक सोच है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और अगर वो ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों के अंदर है, ये तो साहब ने बता दिया कि वो नहीं है आगे चल। अच्छा तो मकसद ये है कि फिर मैं समझता हूँ कि सीरत नबी का तो हम मफ़हूम ही नहीं समझ पाए और वो क्या मानी क्या रखती है सीरत नबी। यहाँ पर मैं आपसे वाकया शेयर करना चाहूँगा अलामा इकबाल के बचपन का, जब वो एक वो फ़कीर उसको उन्होंने अपनी किताब सराय फ़कीर में दर्ज भी किया हुआ शायरी की फॉर्म में, जो फ़कीर उनके घर पर आता है वो बार बार वो सुधार लगाता है और वो भीख मांग रहा होता है, ये उसे वो बार बार मांगने से वो तंग आ जाते हैं, उसको धक्का मारते हैं, उसे उसका सारा सामान समून कशकोल उसका जो है बेफट है वो भी गिरता है जाके करी। मुझे सब सारा ये वाक्य जो नमाज हो रहा होता है तो उनके वाले जो है वो चलकर उस वक्त आए अपने घर और वो ये देखते हैं सारा, वो रामा की तरफ एक नज़र डालते हैं और कुछ नहीं कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जैसे एक बार वो उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं ये क़यामत के रोज़ जब वहाँ पे दरबार लगा होगा रसूलुल्लाह सल्लम पर बैठे होंगे और सारी उम्मत मुसलमान आ गए मौजूद हो गए, तो ये फकीर जब ये अपना सवाल लेके आएगा और ये आगे जाएगा कि मेरे साथ जो है ये ज्यादती हुई तो तुम मुझे बताओ कि मैं उस वक्त अपनी ये सफेद दाढ़ी लेकर उस शर्मिंदगी का आलम जो है वो कहाँ लेके जाऊँ और रसूलुल्लाह सल्लम मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे सुपुर एक नौजवान मुसलमान की बच्चे की तरबियत तुम्हारे सुपुर की है और तुम वो भी कर सकते। अब ये वाकया मैंने आपसे इसलिए बयान किया है कि अलामा की जो कॉन्सेप्ट है रसूलुल्लाह सल्लम के साथ उनकी एफिलिएशन की उनके वालिद से ही जो है वो उनसे मिलता है और वो जो उसमें देखने वाली बात है कि वो एहसास अगर हम सारे सीरत नबी को फॉलो करना चाहते हैं तो हमने आया ये एहसास है कि हमने वहाँ पे कर जवाब दे होना है या नहीं होना, कि हम लोगों से भी पूछा जाएगा कि आप लोगों में से जितने सारे हैसियत लोग हैं उनको जो खुदा ने नावर वारत किया था तुमने मेरी उम्र तक क्या फर्क किया तो उसका हम क्या जवाब दें। अगर हमारा ये दावा है कि हम भी मतलब कि हजार दफा रोज का दूसरी पढ़ लेते हैं ये कर लेते हैं खराब कर देते हैं तो मेरे ख्याल में तो उसमें वो लेवल कभी हम अचीव ही नहीं कर सकते रसूलुल्लाह सल्लम से मोहब्बत। और दूसरी बात ये है कि जितना तालीम के ऊपर जोर है अलामा की थी जो एक और मैं आपसे बात हाजिर करना चाहता हूँ निकल गई थी कि अलामा का इश्क रसूल जो है वो उनकी ज़ात पे आके खत्म नहीं होता, वो उनकी ज़ात से आके आगे बढ़ता है और वो इस तरह बढ़ता है कि रसूलुल्लाह सल्लम का जो प्रोडक्ट है जो उनकी जो क्या कहना चाहिए इसे प्रोडक्ट भी क्या है वो सारे उम्मत मुसलमान और अगर उनके फायदे के लिए हम वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट जो है इसके रसूल का उसके अंदर कोई खामी हो। सो बस मैंने तो ये दो तीन बातें जो था आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, बाकी तो आपको जो सीरत के डिटेल में या जो आपके पास साथ है मुझे यहाँ पे आके खुशी भी हुई है क्योंकि मेरी भी यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें भी साल वोट का जो है वो सिर्फ हमेशा से शामिल है रहेगा और बिल्कुल प्लेट में गजब मेरा अनुमान रखता है। और हमारे आज के मजलिस में हमारे जनाब डॉक्टर आसिफ बिलाल साहब नाम से बोलते हैं सुनते कुछ अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत मशहूर ममनून हूँ साथियों का जिन्होंने इतने इतनी प्यार मोहब्बत से जब
दोबारा बुलाया सियाल कोट ने और मुझे ये मौका प्रदान किया कि आपसे थोड़ा सा वक्त गुजार सकूँ और इस मौजू पे कोई गुजारिश आपके सामने रख सकूँ। एक तो सियाल कोटियों का मशहूर ममून इसके साथ साथ इकबाल साहब इन साहब का भी की वक्त में से कुछ वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पे आए। मुझे 3-4 साल हो गए हैं मेरे साहब के साथ काम करते हुए लाहौर में और जो भी मैंने थोड़ा बहुत अलामा इकबाल की सोच और फिक्र का मुताला किया है मुझे मौका मिला है कि बड़े बड़े इकबालियात के माहिरीन के साथ अपना बैठना बातचीत करना और मैंने बात उनके मुँह में की थी उनके लिए उनके शहर में भी कही है उनके गैर हाजिर में भी कही है उनके हद तक मेरा अंदाजा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मियाँ साहब की अलामा की सोच खासतौर पर उनकी जो फलसफियाना और मेरे नज़दीक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उनकी फलसफियाना सोच में उनकी शायरी में वो दोनों एक दूसरे का अक्स है और एक को समझे बगैर आप उनकी को समझ नहीं सकते और जो पिछली नशिस्त हुई थी जो जिसमें हाजिर था उन्होंने शाफि साहब शमाइल साहब उन्होंने उनका पूरी जो प्रेजेंटेशन थी इसी नुकते के लिए थी हुकूमत कि आप अलामा का मलसफा और अलामा की शायरी को आप जुदा नहीं कर सकते। तो ये बात कि जितना मैंने देखा है कि इस बात को मियाँ साहब ने समझा हुआ है बहुत मेरे लिए हौसला अफजा बात है और जो हैरान कन बात है उनकी फलसफे में कोई ट्रेंडिंग नहीं है बेसिकली एक ताजर है बिजनेस मैन। तो ये मैं अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी कथा या देन समझता हूँ कि इस तरह के लोगों से मेरी मिलना जुलना हुआ है उनके साथ उतना बैठना हुआ है इंशाल्लाह नज़ीर इस तरह के लोग उनसे आपको भी मिले। मैं तकरीबन अगले 40-45 मिनट में जिस मौजू पे कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि जब हम सीरतुल्नबी को देखते हैं सीरतुल्नबी को सामने रखते हुए हमें क्या रहनुमाई मिलती है उन चैलेंजेस को टैकल करना तो बात की बात है उन चैलेंजेस का सामना करना तो बात की बात है पहले उन चैलेंजेस को समझने के लिए जो हमें इस वक्त दरपेश है। तो जरा जो मेरा नुकता आगाज होगा इसका इस मौजू का वो अलामा की एक रुबाई है वो हम सब जानते हैं हम सब ने सुनी हुई है और मेरी मैं पहले से माजरत कर लूँ मैं शायर नहीं हूँ अदब का ना तालिब इल्म हूँ ना कभी अदब कभी को खास पढ़ा है दुखा सुख का फलसफी हूँ तो अगर तलफ़ुज़ में कोई ऊँच नीच आ जाए तो पहले से माजरत। वो जो रुबाई है अलामा की तारीख को है फिर मार कर रू व बदन पेश तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा अल्लाह को है पामर दिया मोमिन पे भरोसा इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये अगर हमने ये पहले तो उस चैलेंज को समझा जाए इस चैलेंज के लिए हम सीरत की तरफ रुजू कर रहे हैं रहनुमाई हासिल करने के लिए चैलेंज क्या है बेटा ये चैलेंज इस रुबाई में समेटा जा रहा है और जो प्लेन सेंस है इन अल्फाज का इसका कि चैलेंज तो सिर्फ बाहर की तरफ से है मगरिब का चैलेंज
वो जो मादी मादियत या मादा परस्ती का जो चैलेंज, लेकिन इसके अंदर अंदर अगर जो है ये बहरे के अलामा के अल्फाज हैं वो प्लेन सेंस के अंदर अंदर भी कोई चीज़ किसी की तरफ हो हमारी तवज्जो दिलवा रहे हैं करवा रहे हैं। और मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ कि जो चैलेंज हमारे सामने है, जो मुश्किल हमें जिसकी जिसका सामना करना पड़ रहा है, वो एक सिक्का के दो रुख हमने देखने हैं। सिक्के का एक रुख है वो जो मगरिब का है मसला, वो मादी मादी मादियत या मादा परस्ती, इसको हम कह सकते हैं ये है जिद्दत पसंदी कि उन्होंने हकीकत हक सच अखलाक को जिद्दत के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। जो चीज़ भी जदीद है वो हक है, वो सच है, वो खूबसूरत है। जो चीज़ भी कदीम है वो इस म्याद से कम अज़ कम गिरी हुई है, अगर इन सारी सिफात से बिल्कुल खाली ना हो, कम अज़ कम इतना इन से गिरी हुई है। ये है वो मगरब की सोच का मैं कहूँगा एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता, शायद एक दी फंडामेंटल पॉइंट कि दैट विच इज़ न्यू इज बाय डेफिनेशन गुड, दैट विच इज़ ओल्ड इज बाय डेफिनेशन बैड। लेकिन इसके साथ साथ ये मसले का एक रूप है, मसले का दूसरा रूप क्या है, और वो भी अलामा ने अपनी शायरी में और अपने नसर में बार बार की तरफ तवज्जो दिलवाई है कि अगर मगरिब जिद्दत पसंद बन गया है, अगर उसको जदीदियत के साथ में सूंघ लिया है, तो जो मशरिक है वो कदामत पसंद बन गया है। जब एक मशरक की ज़हनियत है उसको जो चीज़ें पुरानी हैं वही अच्छी लगती हैं, उसने सच हकीकत खूबसूरती को अपनी तारीख से उसने वाबस्ता कर दिया। और अगर मगरिब ने मादे को मेजर ऑफ ऑल थिंग्स बना दिया है तो मशरिक ने रूह को मेजर ऑफ ऑल थिंग्स बना दिया है, रूहानियत। अगर मगरिब में वो मादियत का एक खास तसव्वुर उन्होंने अपना लिया है तो इसी तरह मशरिक में रूहानियत का एक खास तसव्वुर हावी हो गया है। तो जब वो मसला हमारे सामने आता है तो ये मसला है कि जाहिर है कि देर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, उसमें वो काफ़ी सारे इस तरह के एक्सेप्शंस इस कमरे में भी बैठे होंगे, लेकिन ये एक्सेप्शंस रूल को नहीं तोड़ता। आज भी अगर दुनिया में एक इज्तमाई सतह पे रूह और रूहानियत की कोई अहमियत है तो आपको मशरिक की अकवाम में मिलेगी। मगरिब के अकवाम में खासतौर पे मगरिब के जो पढ़ा लिखा तबका है वहाँ को तो रूह और रूहानियत की तो बिल्कुल कलाकामा हो गया है कि यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर खड़ा होके इस मौजू को संजीदगी के साथ पेश करे तो उसके कॉलेज उसके ऊपर हंसेंगे। और मेरे कॉलीग्स हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद इसका उनका ज़ाती तजर्बा है, अगर कोई भी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाएं, वहाँ पे खुदा का नाम लें तो देखते हैं कि अगर अगले साल की उस कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे उनको दावत दी मिलती है कि नहीं मिलती। तो
तुम्हारा माजरत के साथ अकबर अलबाती का शेर आ गया, हरीफों ने रिपिट लिखाई है जा जा के थाने में, हरीफों ने रिपट लिखाई है जा जा के थाने में, ये लेता है अकबर नाम खुदा का इस जमाने। ये एक हकीकत है कि अगर जो वहाँ की सेंटर्स ऑफ पावर हैं उन सेंटर्स ऑफ पावर में लेके दिखाएं कोई भी खुदा का नाम, देखें कि उसके साथ होता क्या है। तो अगर कहीं पे खुदा का नाम लिया जाता है इस्तेमाई सतह पर तो वो आपको मशरक में मिलेगा। तो जो मैं आपके सामने ये जो रुबाई है शरीफ को है फिर मार गए वो बदन पेश, ये मसला है मशरकी मसला भी है और मगरबी मसला भी है। अब आया अलामा इकबाल मादे को या मादियत को मुकम्मल तौर पे रद्द करते हैं, दूसरे साइड दूसरा रुख आया वो रूह और रूहानियत को जिसका आम तसव्वुर है रूह और रूहानियत का, आया वो उसको मुकम्मल तौर पे अपनाते हैं। मियां साहब ने इशारा किया, कहा भी कि अलामा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी गहरी मोहब्बत और उनके जात के साथ तो थी ही थी, सिर्फ उनके जात के साथ नहीं थी, वो उनको मोहब्बत थी हर उस चीज़ के साथ जिसका उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ कोई ताल्लुक था, उनको उससे भी मोहब्बत थी और शायद उससे कम ना हो जितनी उनको रसूल करीम की जात के साथ मोहब्बत थी। तो जब हम रसूल करीम की सीरत को देखते हैं, रसूल करीम की सीरत में मादा और रूह में क्या हमें रब्त नजर आता है, कोई रब्त नजर आता है, अगर नजर आता है तो वो क्या रब्त है। और जब हम इस सीरत को इस जाविये से देखेंगे तो जो इस वक्त मसला हमारे सामने है कम से कम हमें उसे को समझने में मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सीरत से मादा और रूह में जो ताल्लुक है या रब्त है उसको समझने में हमें क्या क्या रहनुमाई मिलती है, मैं आपके सामने तीन मिसालें रखता हूँ जो शायद इस रब्त और ताल्लुक को हमारे सामने लाके रखे। एक तो है, सबसे पहले एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हदीस है कि भूख या इफलास या अफलास का कुर्ब इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है, काबुल फकरु अन यकून कुफ्र, भूख और इफलास, जो शख्स भूख और इफलास से के करीब है या भूख और इफलास उसके करीब है, यह वक्त की बस बात है कि इस शख्स ने कुफर की दहलीज पर पहुंच जाना। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उनका रसूल करीम के साथ ताल्लुक हम सब जानते हैं, अब उनमें से एक का मैं कह नहीं सकता उनमें से कौन, दोनों में से एक का कौल है कि जो भूख घर के सामने के दरवाजे से घर में दाखिल होती है तो इस्लाम पीछे के दरवाजे से घर से निकल जाता है। अब देख लें कि अब इस हदीस और जो रसूल करीम के जो सहाबा हैं और आले बैत हैं तो उन्होंने रूह और मादे में क्या ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर इस मादी जिस्म की जरूरियात
नहीं पूरी होती तो वहां पे रूह वहां पे बस ही नहीं सकती। रूह इस जिस्म में, वो रूह जो जिसका रसूल करीम के ज़हन में तसव्वुर है, वो रूह इस जिस्म में बस ही नहीं सकती अगर पेट खाली हो। और कार्ल मार्क्स तो बहुत दूर की देर की बात है, शाबलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो कार्ल मार्क्स से कोई 150 साल पहले आए हैं, अगर उनकी उनका मुताला किया गया, उन्होंने खुल के कह दिया कि ऐसा मुआशरा जो दो ग्रोहों में बटा हुआ है, एक ग्रोह इंतहाई गरीब और इंतहाई मुफलस और दूसरा ग्रोह इंतहाई अमीर, कि ऐसे मुआशरे में इस्लाम कभी रूनुमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ग्रोहों में वो जो रूहानियत है, वो जो मोहम्मदी रूहानियत, वो वहां पे बस ही नहीं सकती। जो इंतहाई अमीर हैं, उनकी दौलत ने उनको खुदा से गाफिल कर दिया है, और जो इंतहाई गरीब हैं, उनकी भूख ने उनके खुदा से गाफिल कर दिया। और ये ज्यादा अब तो इतनी एम्पिरिकल स्टडीज आ गई हैं इस बात को साबित करने के लिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए, कि इस पर ज्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि रूह और मादे में कितना गहरा ताल्लुक है। अब हमें इल्म है एक रसूल करीम के घर में दिन नहीं, हफ्ते नहीं, शायद महीने गुजर जाते थे कि चूल्हा नहीं जलता था, इसका हमें इल्म है। तो भूख कैसे काटती थी। फिर हमें इल्म है कि हजरत अली के घर में बीबी फातिमा के ऊपर क्या गुजरती थी, भूख, तंगी। जो रसूल करीम के करीब तरीन जो सहाबा थे उनके घर में क्या हाल था। लेकिन ये वो भूख नहीं है, ये अफलास की भूख नहीं है जो रसूल करीम को काट रही थी, जो उनके घर वालों को काट रही थी, जो उनके सहाबा को काट रही थी, ये अफलास की भूख नहीं थी, ये फकर की भूख थी, ये कोई और भूख है, ये भूख ही कोई और है। ये जो भूख थी रसूल करीम की, उनके घर वालों की, ये इख्तियारी भूख थी, ये जबरी भूख नहीं थी जो उनके ऊपर तसल्लुत की गई, जिसकी जिसपे वो हालात की वजह पे मजबूर थे। ये वो लोग हैं, इस जहान की क्या दौलत, अगले जहान की दौलत उनके पैरों को चूम रही थी। ये वो लोग हैं जिनके दोनों जहां की दौलत उनके पैरों को चूम रही थी, लेकिन उन्होंने इस दौलत की तरफ अपनी तवज्जो भी नहीं की, अपनी आंख भी नहीं उस तरफ की। ये भूख कोई और थी। इस हदीस में जिस भूख का जिक्र किया जा रहा है, ये वो भूख है जो लोग मजबूर, जिस पे मजबूर किए जा रहे हैं, जिसका पेट खाली है उसका दिल आबाद नहीं हो सकता, जिसका पेट खाली है उसका दिल जिंदा नहीं हो सकता। यह हदीस उस तरफ इशारा कर। और एक और हदीस है, ये भी हमने सुनी हुई है और बार बार सुनी हुई हदीस है, वाकया है, हजरत अब्दुल्ला इबिन अमर इबिन अल-आस, हजरत अमर इबिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे, वो आए और रसूल करीम को खबर पहुंची, रसूल करीम को खबर पहुंची कि अब्दुल्ला
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات قیام اللیل میں گزارتے ہیں. ان کو یہ خبر پہنچی, رسول کریم نے حضرت عبداللہ کو مدعو کیا, یار اس کو بلاؤ, بھیجو میرے پاس. پھر حضرت عبداللہ کو کہا کہ مجھے میں نے سنا ہے تم یہ کرتے ہو, سارا دن تم روزہ رکھتے ہو, ساری رات تم نماز میں گزار دیتے ہو, نفلی نفل پڑھتے رہتے ہو, کیوں؟ اب ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ نے جواب کیا دیا کہ جی وہ ہم اپنے الفاظ میں یا عام محاورے میں کہ میں وہ روحانیت کی وہ میں نا مناسل میں طے کرنا چاہتا ہوں. ظاہر نیت تو ان کی یہی تھی کہ روحانیت کا جتنا بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے جو وہ حاصل کر سکتے ہیں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ حاصل کرنا ہے اس لیے میں یہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں, دو ٹوک الفاظ میں حضرت عبداللہ کو منع کیا. دیکھو ہم تو کہہ سکتے ہیں, رسول کریم نے شاید اشارتن کہا ہوگا, ہم صراحتن کہہ سکتے ہیں کہ جو روحانیت کی منزل رسول کریم نے پائی وہ کوئی پا سکتا ہے؟ یہ عبداللہ جو روحانیت کی منزل میں پائی گیا اور تصور ہی نہیں کر سکتا, لیکن میں نوں دے لیکن کہہ کہ مجھے دے, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, نفلی روزے بھی رکھتا ہوں, اور ایسے دن ہوتے ہیں میں روزے نہیں بھی رکھتا, رات کو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور نفلی عبادت بھی کرتا ہوں, اور رات کا کچھ حصہ ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا. اور پھر رسول کریم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اے عبداللہ تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے. تم یہ حقوق کیسے پورے کرو گے اگر سارا دن تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ساری رات تم نفلی عبادت کر رہے ہو؟ کہ اب یہ جو حقوق ہیں ایک لحاظ سے ان کا روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ جو حقوق ہیں ان کا حقوق اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے حقوق الایمان ہیں. لیکن اگر حضرت عبداللہ نے وہ روحانیت کی وہ منزل حاصل کرنی تھی جو ان کے لیے اعلیٰ ترین منزل ہے, ان کو اپنے بدن کے حقوق پورے کرنے, اپنی زوجہ کے حقوق پورے کرنے اور اپنے مہمانوں کے حقوق, وہ ایک عجیب سی فضا نہیں بن جاتی کہ گھر میں مہمان آیا ہے اور جو میزبان ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, مہمان بھی تھوڑا سا کیا بہت انکمفرٹیبل, میزبان بھی بہت سا انکمفرٹیبل, عجیب سی فضا بن جاتی ہے. تو آپ نے کیسے صحیح طرح سے مہمانداری کرنی ہے اگر آپ نے روزہ رکھا ہو؟ تو رسول کریم نے پھر حکم دیا کہ پہلے تو مشورہ دیا کہ اگر تم عبداللہ اگر تم نے روزے رکھنے ہیں تو وہ جو ایام عید کے روزے رکھو 13, 14, 15, اگر نفلی روزے رکھنے ہیں پیر اور جمعرات کے روزے رکھو. حضرت عبداللہ نے کہا نہیں رسول اللہ میرے جی کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ رکھوں, تو پھر رسول نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں اس سے زیادہ کا شوق ہے تو وہ روزے رکھو جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے, وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن ناغا کرتے تھے. اب یہ حدیث یا یہ واقعہ دوبارہ ہماری توجہ کرتا ہے کہ روح اور بدن میں کس طرح کا ربط ہونا چاہیے, کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. کہ روح صحیح طرح سے پروان چڑھ ہی نہیں سکتی جب تک اس بدن کو اور آپ کی جو دنیاوی جو فرائض ہیں جب تک آپ ان کو پورا نہیں کرتے, وہ فرائض
जिनका देखने में रूह के साथ या दीन के साथ देखने में जाहिरन कतन कोई ताल्लुक नहीं। तीसरा जो वाक्य उस सीरतुल नबी से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है ये किताब का मामला। जब मुसलमानों को इजाजत दे दी गई कि तो वक्त आ गया जो तुम्हारे में ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हें इजाजत दे दी है, तुम्हारे हाथ खुल गए, तुम्हारे उठा लो। पहले तो इजाजत दे दी गई, फिर आगे जाके हुक्म दे दिया गया, इजाजत फिर हुक्म में बदल गई। अब अंदाजा करें कि मक्के के दौर में जो भी सहाबा के दीन की जो जिससे भी गुजरे और उन्होंने वो सारा कुछ सहमा, वो कच्छियों का मशरिकों का जुल्म सितम सारा कुछ सहमा। जब तक कहा था कि हाथ बंधे हुए रहे, उन्होंने इसकी पूरी समेना व अताना, इस हुक्म की पूरी अता। लेकिन जब ये कह दिया गया अब तो तलवार निकालने का वक्त आ गया, अब ये मुनाफिकों की बात नहीं हो रही आगे, आगे जो बात होने वाली ये मुनाफिकों की बात नहीं हो रही। रसूल करीम के ऐसे साथी थे जो इससे थोड़ा सा झिझक गए पर उनको ये बात नापसंद लगी। अब सर पे कफन बांध के मैदान में आने वाले वक्त आ गए, अब ये कुरान किसको कह रहा है, असा तकरहु शैअ वहु खैरुन लकुम वसा तुहिब्बु शैअ वहु शर्रुन लकुम। शायद तुम्हें एक ऐसी चीज नापसंद आ गई है जो तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हारे लिए खैर है, और शायद तुम एक ऐसी चीज को पसंद करते हो जिसमें तुम्हारे लिए शर है। अब जाहिर है कि जो सहाबा थे उन्होंने हुक्म की पैरवी तो की, लेकिन हुक्म की पैरवी करना नाकाफी, हुक्म की पैरवी करना कराहत के बगैर, हुक्म की पैरवी करना खुशी खुशी, हुक्म की पैरवी करना जोश और जज्बे से। अब ये देख लें कि जो भी रूहानी मंजिल, रूहानियत की मंजिल सहाबा ने पाई वो अपनी जगह, लेकिन वो रूहानियत की मंजिल को बरकरार रखने, उस सतह पे रहने के लिए अब देख लें कि उनको क्या बिल्कुल एक दुनियावी काम, और दुनियावी काम में भी सीधे एक बहुत ही एक ऐसा तलवार उठाना कोई आसान काम है, अपनी जान का नजराना पेश करना या किसी दूसरे इंसान का जान की जान लेना ये कोई आसान काम है? ये तो वो काम है जो एक पूरी तबी तौर पे इंसान इससे भागता है, इंसान नहीं चाहता, तबी तौर पे इंस्टिंक्चुअल लेवल पे जाए मुझे इस सिचुएशन में ना डाला जाए जहां पे मुझे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े या मुझे किसी दूसरे की जान में। लेकिन वो सहाबा को अपनी वो जो भी रूहानियत का मकाम था वहां या आला तरीन मकाम पे पहुंचने के लिए ये बहुत ही दुनियावी काम करना उनके ऊपर लाजम हो गया, और जिन्होंने इस हुक्म की पैरवी नहीं की वो हमें पता है कि सराहतन मुनाफिकीन। अब इन तीनों वाक्यात
سے جو ہمیں سیرت سے ملتے ہیں. میں صرف اور یہ سب ہم نے پہلے سنے ہوئے ہیں, ایک دفعہ نہیں سنے ہوئے, بار بار سنے ہوئے ہیں, لیکن میں نے آپ کو ان کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ ہم ان تینوں کو اس زاویے سے دیکھیں یا اس نقطے سے دیکھیں جو نقطہ اس وقت ہمارے لیے زیر مطالعہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ ان واقعات میں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ روح اور مادے میں کیا ربط ہے, کیا تعلق ہے. کوئی انسان ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے روحانیت اور روحانیت کی منزلوں پہ چڑھنے کی دعوت کر بھی سکتا ہے اگر وہ مادے سے بالکل کنارہ کش ہو جائے. اس طرح کا بندہ روحانیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہیں؟ سیرت النبی کے پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیرت النبی کے پیمانے کے علاوہ اور بھی بہت پیمانے ہیں روحانیت کو ناپنے کے لیے, روحانیت کو جانچنے کے لیے اور بھی بہت سارے پیمانے ہیں, لیکن اور ان پیمانوں میں سے کوئی ایسے پیمانے ہیں جو کہتے ہیں جی اگر آپ نے روحانیت کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنی ہے تو اپنا بدن اور مادے سے آپ بالکل کنارہ کش ہو جائیں. اس طرح یہ بھی پیمانے ہیں, یہ ہمیں ربانیت میں یہی تو ملتا ہے, خاص طور پہ جو ہماری مسیحی ربانیت لے لیں, ہندو ربانیت لے لیں, بدھ مت کی ربانیت لے لیں, دنیا کے جو جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب ہیں سوائے یہودیت کے ان سب کے سب کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے روحانیت کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنی ہے تو مادہ دنیا اور وہ ساری چیزیں جو مادہ اور دنیا سے تعلق رکھتی ہیں آپ ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں. اب ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا پیمانہ ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے, ہمارے لیے کون سا پیمانہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرت. ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مادے سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے, دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے, یہ ممکن ہی نہیں, یہ ممکن ہی نہیں. تو یہ جو مار کا روح و بدن پیش اس وقت ہے دنیا میں, یہ ایک لحاظ سے مادے اور روح کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک خاص تصور مادہ اور ایک خاص تصور روح کے مابین جنگ ہے. اور علمی سطح پہ ابھی جو بات ہم نے کی ہے سیرت کے حوالے سے, علمی سطح پہ یہ کیسے ہمارے سامنے آتی ہے, اور یہاں پہ میں علامہ اقبال کا تھوڑا سا سہارا دیتا ہوں ان کی شاعری کا, جہاں تک روحانیت کی بات ہے, مشرقی روحانیت جو علامہ کے دور میں تھی, رائج ان کے دور میں جو روحانیت ہمارے الفاظ میں تصوف جو اس وقت رائج تھا اس کے بارے میں علامہ کیا کہتے ہیں, یہ نظم کا ہے صوفی سے. تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا, میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا, تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا, عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. یہ جو عام طور پہ روحانیت سمجھا جاتا ہے, معجزات,
मुराकबात, मुकाशफात और बड़े बड़े आर्त ये रेंज नहीं आ रहे, करामात जजा, ठीक है कि जी अब उनमें बंदा डूबा हुआ है, उनमें बंदा डूबा हुआ है कि बहुत मुहानी है। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी निगाह किस पे थी, सिर्फ मौजज़ात की दुनिया। अमीन, वो बंदा यानी जिसने सबसे बड़े करामात इस दुनिया में सर अंजाम, वो बंदा जो सिद्रतुल मुंतहा पहुंच गया, जिसके जूते वहां पे गए जहां पे जिब्रील अलैहि सलाम के पर नहीं जा सकते, बंदा वहां तक पहुंच गया। अब वो बंदा इन चीजों में सिर्फ डूबा हुआ है, या वो हादसात की दुनिया, हयात व ममात की दुनिया, मुमकिनात की दुनिया, उसकी गहरी नजर इस दुनिया पे भी। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग थे, वो जब उनके पास आते थे तो वो ये करते थे कि या रसूलुल्लाह तुसी नमन उसके नबी करामात दिखाओ, और रसूलुल्लाह जे थोड़े कल रात जे थोड़ा वारदात हुई सी ओ थानू सानू दसो, यो इस तरह के वो गुफ्तगू करते थे रसूल करीम के साथ। जाहिर है इस तरह की भी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने सवाल पूछे हैं, कभी रसूल करीम ने खुद इस तरह की बताया कि जी रात कल रात मेरे साथ ये हुआ या कल मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे कि जो ज्यादातर जो गुफ्तगुएं हो रही हैं रसूल करीम और सहाबा के दरमियान, रसूल करीम और जो उनके घर वाले हैं उनके दरमियान, वो क्या हो रही है, वो हयात व ममात की दुनिया, वो मुमकिनात की दुनिया, वो हादसात की दुनिया। ऐ अल्लाह के रसूल, फलां कबीला ये हरकत कर रहा है, उसने ये किया है, उसने ये माहिदा दूसरे कबीले से किया, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। या रसूल करीम, ये एक मुमकिन हमारे सामने आ गई है, अब वक्त आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। उसमें कहेगा चलो ठीक है, खत लिखे उस वक्त के जो कैसर और किस थे, एक बंदे को एक सहाबी को इस तरफ भेजे, इस सहाबी को इस तरफ भेजे, सहाबी को उस तरफ भेजे, उस तरफ भेजे। इन मामलों में ज्यादा गुफ्तगुएं हो रही हैं या मौजज़ात और तखय्युलात और करामात में ज्यादा। और जो हमारी रूहानियत है, जो रूहानियत अलामा इकबाल के वक्त बहुत ही ज्यादा राज वक्त थी, वो तो मुकम्मल तौर पे कट गई थी, इस दुनिया से जिसको हम मादी दुनिया कहते हैं। अगर मशरिक में वो रूह को समझने के लिए या रूहानियत को समझने के लिए मादे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, अगर उसको मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं कर दिया गया, इसी तरह मगरिब में मादे को समझने के लिए या मादी दुनिया को समझने के लिए रूह को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया है, अगर मुकम्मल तौर पे रद्द नहीं कर दिया, तो उसके लिए अलामा क्या कहते हैं, फिरत के पास कब्र के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात जौके सफर के सिवा कुछ और नहीं, गिरा बहा है तो फिर से खुदी से है, वरना गोहर में आपे गोहर के सिवा कुछ और नहीं, रगों में गर्दशे खून है अगर तो क्या हासिल, हयात सोजे जिगर के सिवा कुछ और नहीं। अगर ये अल्फाज एक मगरबी दानिशवर के सामने रखे जाए
تو بات وہی بن جائے گی جو صوفی والے الفاظ کسی صوفی کے سامنے رکھے ہیں کہ جو مغربی دانشور ہیں اس کے لیے سوز جگر کیا چیز ہے؟ نظر، یہ والی نظر نہیں، یہ والی نظر، یہ کیا چیز ہے؟ ذوق، ذوق کے سفر ایک مغربی دانشور کے لیے کیا چیز ہے؟ مغربی دانشور چھٹے ہو جڑے مغرب کے تعلیم یافتہ نے وہ بھی انہوں نے لیے کیا چیز ہے؟ ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی ہیں، بالکل بے معنی ہے۔ تو جو سیرت ہے، سیرت النبی ہے، ایک تو وہ ہمیں اپنا مسئلہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے، مسئلہ ایک لحاظ سے روحانیت نہیں ہے، مسئلہ نہ روحانیت ہے نہ مادیت ہے، مسئلہ ہے روحانیت کی غلط تعبیر، مسئلہ مادیت نہیں ہے، مسئلہ ہے مادیت کی غلط تعبیر۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج کے مادہ پرست ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ مادہ کی حقیقت کیا ہے۔ جتنا بھی انہوں نے مادے کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اور مادے کو حقیقت سمجھا ہوا ہے وہ ہیچ اور کمین ہے جب ہم اس کو قرآن کے سامنے رکھیں۔ قرآن مادے کی مادے کو کیا سمجھتا ہے، قرآن مادے کو کیا مقام دیتا ہے، قرآن مادے کو کیا مقام دیتا ہے، قرآن مادی دنیا کو کیا اہمیت، کیا حیثیت دیتا ہے۔ میں یہ آیات آپ اسے اکثر جانتے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کوئی بتائے مجھے؟ اگر آپ کو یہ آیت کا نہیں پتا، یہ آیت تو آپ کو تقریباً سب کو پتا ہوگا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے، اونچی آواز میں اللہ رب العزت کیا کر رہی ہیں، قسم کھا رہے ہیں۔ کس چیز کے اوپر قسم کھا رہے ہیں؟ روحانی حقیقتوں کے اوپر۔ مادی چیزوں کے اوپر اور مادی دنیا کے اوپر اور مادی دنیا میں جو ہمیں عادات نظر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت وہ روحانی چیزوں پہ بھی قسم کھاتے ہیں، قرآن میں قرآن کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت کے جمال اور جلال کے اوپر قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کی جو وحی ان کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے اس کے اوپر، وہ ساری روحانی چیز، ظاہر ہے قرآن ان کے اوپر بھی مطلب قسم کھاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اگر ہم 30واں پارہ پڑھیں کس کے اوپر قسم کھائی جائے، خاص طور پہ 30ویں پارہ۔ تو قرآن نے مادے کو اور مادی دنیا کو
वो मुकाम दिया है जो आज कल के बड़े से बड़े माता प्रस्त कासिर हैं माते को वो मुकाम देने, वो माते को वो मुकाम दे ही नहीं सकते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माते को और माती दुनिया को जो मुकाम दिया। और इसी तरह जो जब कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माते को मुकाम दिया है, वो दूसरा तरीका है कहने का कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माते और मादी दुनिया को जो मुकाम दिया था, और आगे जो उनके सहाबा ने माते और मादी दुनिया को मुकाम दिया था, आज के माता प्रस्त वो मुकाम माते को दे ही नहीं सकते। और ये मैं बहसीत एक छोटा सा तालिब इल्म फलसफे का थोड़े से फलसफे में शुरू की है मैंने नहीं अभी तक कोई मगरबी फलसफा पढ़ा, मैं नहीं किसी मगरबी फलसफे से बात जिसने मादे को इतना अजीम मकाम दिया हुआ है या दे सकता है। इसी तरह जो रूह और रूहानियत को मुकाम दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उनके जो सहाबा इकराम थे जो उन्होंने भी रूहानियत के बड़े से बड़े रूहानी पेशवा वो रूहानियत को वो मुकाम दे ही नहीं सकते, तो देने से कासिर। और अब वो क्या है जो रब्त है रूह और मादे में, वो अलामा की दोबारा उनका सहारा लेता हूँ, ये नज़म है इल्म दीन, इल्म और दीन। वो इल्म अपने बुतों का है आप इब्राहिम, किया है जिसको खुदा ने दिल और नज़र का नदीम, जमाना एक हयात एक कायनात की एक, दलील कम नजरी किस्सा जदीद और कदीम, चमन में तरबियत ऊंचा हो नहीं सकती, नहीं है कतरा शबनम अगर शरीक नसीम। वो इल्म कम बसरी जिसमें हम किनार नहीं, तजल्लियात कलीम और मुशाहिदात हकीम। वो इल्म वो बिशक रूहानी इल्म हो या मादी या दुनियावी इल्म हो, वो इल्म कम बसरी, वो इल्म कम बसरी, वो इल्म अंधापन, वो इल्म सिर्फ वो इल्म वो है जिसमें एक आंख बंद है और सिर्फ एक आंख खुली है, जब तक तजल्लियात कलीम और मुशाहिदात हकीम आपस में आके मिलना चाहिए। सीरत की रूह से कुरान की तालीम से वो इल्म इल्म ही नहीं जिसमें दोनों आंखें खुली ना, कलीम की भी और हकीम की। अब जो मसला हमारे सामने हमें दरपेश है आलमी सरकार, वो मसला है ही ये कि हमारे इस दौर में एक ऐसा तबका है जिसने अपनी दाई आंख बंद की हुई है, वो सिर्फ बाई आंख से देख सकते हैं, दूसरा तबका है जिसने बाई आंख बंद की हुई है सिर्फ दाई आंख से देख सकते हैं। और ये सिर्फ बहस मुबाइसा के अलावा कुछ नहीं है, दोनों इक्वली गिल्टी ऑफ स्प्रेडिंग फनाटिसिज्म एंड बिगेट्री एंड हेट्रेड इन द वर्ल्ड। किस नौयत की वो फैला रहे हैं उसमें फर्क है, लेकिन दोनों और दोनों एक दूसरे के मुआविन हैं,
दोनों जाहिर में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के जिगरी यार हैं, लंगोटिया यार हैं। दोनों एक दूसरे के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। वो बेशक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हो या सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट, जितना मर्जी एक दूसरे के ऊपर गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, लेकिन हैं दोनों लंगोटिया। और दोनों अगर हैं किसी चीज के दुश्मन तो वो हैं उस पर रसूल के और उस हिदायत के जो हिदायत रसूल करीम के ऊपर नाज़िल। अब ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम है या जो भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर कोई अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं, बेबहा नेमतें दी हैं, सबसे बड़ी नेमत उसने जो दी है कि हम मुसलमान हैं। जितनी भी बड़ी वो नेमत है उससे पहले जो बड़ी नेमत है कि उसने हमें इंसान बनाया, और वो मुसलमान जो सिर्फ मुसलमानों के मसाइल के ऊपर जिसकी नज़र है और जिसके दिल सिर्फ मुसलमानों के मसाइल के बारे में तड़प रहा है और उसकी कोई खबर ही नहीं है कि इंसानियत के क्या मसाइल हैं, ये वाला मुसलमान क्या हरकत कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, उस जो कुछ भी पहले के पिछले आधे घंटे में कहा गया है बोला गया है उसको सामने रखते हुए ये मुसलमान क्या कर रहा है। उसको सिर्फ मुसलमानों की फिक्र है, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ना उसको उसके साथ मिल रहे हैं। क्या ये मुसलमान क्या कर रहा है? ये मुसलमान एक आंख से नहीं देख रहा, वो जो आंख सिर्फ जिससे सिर्फ अपने नजर आते हैं, वो जो दूसरी आंख जिससे दूसरे की नजर आनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो हैं, जिस शख्स ने भी दावा कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूं, जिसने भी एक दावा कर दिया, फिलफौर उसने कह दिया कि पूरी इंसानियत मेरे ही है, ये मेरे ही बहन भाई हैं, ये मेरी ही जिम्मेदारी है, उसने फौरन ये कह दिया। अगर वो हैं हमारी जिम्मेदारी तो जो उनका दुख है, उनका दर्द है, खासतौर पर उनका वो दुख दर्द जो वो सही तरह समझने से कासर है, उनको दुख दर्द हो रहा है, उनके मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मवाद ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है कि पहचान सकेंगे इस दुख दर्द की वजह क्या है, जड़ क्या है। वो तो हमारे पास है, जो जिम्मेदारी हमने ली है अपने कंधों पे ये कहने के बाद कि हम मुसलमान हैं, और ये जो जिम्मेदारी हमने ली है और मैं इस पे खत्म करूंगा, जो अकीदतन हम कहते हैं, अकीदतन कहते हैं, यकीन के साथ कहते हैं, हम खुद जितने मर्जी कच्चे पक्के हुए टूटे टूटे हुए, लेकिन ये जुमला हम बिना झिझक बिना डर बिना मुबालगा बिना इस्तेसना और बिना रोजे के बदले बदले पास ऐसे कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना आखिरी कलाम रसूल करीम के ऊपर नाज़िल किया। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा,
और जो कलाम इस नबी के ऊपर इस रसूल के ऊपर नाज़िल किया वो किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, वो किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं, और वो किसी ख़ास वक़्त के लिए नहीं। ये हम कहते हैं, धड़ल्ले से कहते हैं, खुद हम जितने मर्जी कमज़ोर हों, जब हमने ये कह दिया तो हम दुनिया को ये कह रहे हैं, ठीक है ये तो हम कह रहे हैं ना, ये हमारा अकीदा है। जब हम ये जुमला बोलते हैं तो ख़ास तौर पे दुनिया वाले और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनका इस्लाम से नहीं ताल्लुक, उनके कानों में क्या बात पड़ रही है? आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये दावा करने वाले, ये जो लोग दावा करते हैं कि खालिक कायनात ने अपनी जो आखिरी हिदायत है पूरी नौ इंसानी के लिए ता कयामत अब उसने नाजिल कर दिया, इसके बाद बात खत्म। जब गैर मुस्लिम ये सुनते हैं उनके कानों में क्या बात पड़ रही है? आपको आपने कभी इस पे सोचा है? मैं आपसे आपके सामने ये पेश करता हूं, ये वो जो बात उनके कान में पड़ रही है कि कहने वाला ये कह रहा है, जो आपका सवाल है हमारे पास लाओ, जो आपका मसला है हमारे पास लाओ, जो आपका दुख है हमारे पास लाओ, जो आपका दर्द है हमारे पास लाओ, हम आपको वो तशखीस करेंगे इसकी, हम आपको वो इलाज देंगे जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। यह दावा किया जा रहा है। जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, जो सवाल है, वो सिर्फ तिबी नहीं, जो फिक्री दुख है, जो दर्द है, जो रूहानी जो दुख है, हमारे पास लाओ, हम सबसे पहले बेहतरीन इसकी तशखीस करेंगे और उसके बाद हम बेहतरीन इसका इलाज करेंगे। दुनिया को हम ये कह रहे हैं और इस दावे पे पूरा कितना उतर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। मैं शायद आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, या जो मेरे साथी हैं जिनका यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के साथ ताल्लुक है वो आपसे थोड़ा सा बेहतर जानते हैं, क्योंकि इसका जो जवाब देना है वो तो फिर हमारे उस तबके की जिम्मेदारी है जो पढ़ा लिखा तबका, यूनिवर्सिटी का हो या मदरसे का हो, या हमारे उलमा या पढ़े लिखे तबके का, या हमारे ताजों का जिम्मेदारी तो नहीं है, ये हमारे बिजनेस या दूसरे तबकों की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो वो हमें पता है कि ये जिम्मेदारी कितने अच्छे तरीके से निभाई जा रही है। तो जो आखिरी सबक है कि हम देखेंगे रसूल करीम के जो भी थी और जो भी उनका मकसद बेसर था, उनका मकसद बेसर कभी पूरा हो ही नहीं सकता था अगर माशरे के हर तबके से अफराद उनके इर्द गिर्द इकट्ठे ना हो, अगर माशरे के उमरा उनके साथ ना मिलते तो उनका मकसद नहीं पूरा होना था, अगर माशरे के फुकरा उनके साथ ना मिलते तो मकसद पूरा नहीं होना था, अब माशरे की ख्वातीन उनके साथ ना मिलती तो मकसद पूरा नहीं होना था, माशरे के मर्द ना उनसे मिलते ना पूरा होना था, माशरे के ताजिर उनके साथ ना मिलते तो मकसद पूरा ना नहीं होना था। वो हम गज़वे खंदक का तो हमको सब पता है, तो क्या वक्त आया कि वो अपना गशी अपना सारे टाइम में फिर उठाने चले गए। जो हमें नहीं बताया जाता अक्सर कि उसका एक बहुत अहम जो एक था कि रसूल करीम ने जो लोग उन गशियों के हरीफ थे, हरीफ क्या कहते हैं,
हैलाइस थे, हलीफ थे, उनको कहा कि अगले साल की जितने भी मदीने की खजूरों की जो फसल है वो आप ले लो। कि अगर उस वक्त के ताजरों का उनका साथ ना हो तो ये तो एक वाक्या है, इस तरह के आपको और बहुत वाक्या मिलेंगे। ताजरों का उनका इंतकाम होता, उस वक्त के जो शुअरा थे, चोटी के शुअरा, उनका साथ ना होता। हजरत खब्बाब साहबी हैं, अक्सर उनका नाम नहीं आता, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने ज़माने के बेहतरीन लोहार थे। कि जिस तरह की तलवार हजरत खब्बाब बनाते थे, पूरा जज़ीरत अरब में कोई ना इनकी तरह की तलवार बनाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक शजरा नस्बा के माहिर गिने जाते थे। कि अगर किसी ने पता करना है कि शजरा नस्बा बंदा कौन है, किस कबीले का है, जान जाके अबू बकर से पूछो। हजरत उमर की तो जो कमाल थी वो तो पता नहीं कितनी कमालें थी, कितनी कमालें थी कि कुरान बाद में आता था, हजरत उमर पहले अपना बता देते हैं चीज इस तरह की, इस तरह होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब ये लोग क्या थे कि दुनियावी मामलात में बिल्कुल चोटी पे पहुंचे हुए हैं, और अगर वो रसूल करीम के इर्द गिर्द ना करते होते तो मकसद में सब पूरा होना। तो जो भी मुश्किल है, जो भी काम करने को है, वो काम हो ही नहीं सकेगा जब तक इस उम्मत के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं और मुख्तलिफ सलाहियत रखने वाले लोग हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सब्र से सुना, जो भी टूटी टूटी जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी पेश की, तो आखिर में यही कहता हूँ कि अगर कुछ इसमें खैर है तो अल्लाह ताला उस खैर को उस खैर की वजह से आपको मुस्तफीद करे, मुझे थोड़ी बहुत इजाज़त दे दे, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरे उस साथ साथ मुझे साथ दे, और मेरे वालदैन को भी साथ दे, और अगर इसमें कोई शर है तो उसको आपको उससे महफूज रखे और मुझे उससे माफ़ कर। अब सदाकी तलवार के लिए जनाब ख्वाजा मसूद अख्तर साहब को मुल्क सुप्रे हुआ सबसे पहले जो शुक्रगुजार हूँ जनाब मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन साहब का और डॉक्टर साहब का तशरीफ लाए और हमें एक खास तरीके से अपनी चीज़ों को समझने की तौफीक बख्शी। जैसे आहे भाई ने पहले की थी कि सियालकोट में जो एजुकेशन का लेवल है माशाल्लाह वो वालेबन सारे पाकिस्तान से बेहतर है, और यहाँ भूख जो है एजुकेशन की वो माशाल्लाह इवन हमारे जो लेबर का तबका होता है वो सबसे पहले चाहे उनको रोटी मिले ना मिले वो बच्चों को एजुकेशन भूख के बाद में। और आप देखें शायद किसी गांव में गांव होगा जहाँ पर प्राइवेट स्कूल मौजूद ना हो, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। आज के मौजूद से माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जैसे बड़े फलसफियाना अंदाज में बात की, अल्लाह चले हमें तुम्हें तौफीक दे कर हम इसको समझ सकें और इसको अपनी ज़िंदगी में जितना भी इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब के लिए आज के मौसम के हवाले से जो सवाल जवाब है वो सिर्फ तहरीरी अंदाज में होंगे और वो स्टेटमेंट भिजवा दें। सवाल जवाब दोस्त जन लिख के भिजवाएँ, बाकी किसी हवाले से भी जितना ज़्यादा फ़र्क हो सकता है हमारे तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि जितना भी मुमकिन है मुख्तलिफ एंगल से हम अपने ऑब्जेक्ट को एड्रेस करें और सब अंडरस्टैंड करें। सवाल जवाब के लिए आप शीख लेंगे। ये दो तीन सवाल जितनी मौजूद हैं वो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक हैं कि वो जो लेक्चर मेरी जमीन की तस्वीरें नौ में तस्वीर वाजें नहीं किया गया बिल्कुल सही है,
और इस मामले में हमारी बुनियादी जिम्मेदारियाँ भी नहीं बताई जाती। ये भी सही है कि ये एक ऐसा मामला है, अगर आप बिल्कुल दो मिनट का इसमें जवाब चाहते हैं, मेरे नज़दीक जो अलामा इकबाल ने काम किया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसको सही तरह समझा जाए, उसको अलामा की शायरी से जोड़ा जाए, कि अगर हम रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट को सही तरह पढ़ें तो उसमें इस्लाम मेरे नज़दीक बिल्कुल साफ है कि वो सिर्फ रिलीजियस थॉट की रिकंस्ट्रक्शन का वहाँ पर सिर्फ एक एजेंडा नहीं है, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक थॉट का भी पूरा एजेंडा है, वहाँ पर पूरी फिलासफी साइंस मौजूद है और एक फिलासफी ऑफ रिलीजन मौजूद है। कि जो हमारी जो जिम्मेदारी है कि ये जो वर्षा हमारे बुजुर्गों ने हमें छोड़ के गए हैं, जो इनकी वर्षा, उसकी कदर की जाए। और जिसने कि अलामा को पढ़ा है, मैं तो जितना भी पढ़ता हूँ उतना हैरान होता हूँ कि इस अल्लाह के बंदे ने वो सिर्फ ही इज़ नॉट राइटिंग जस्ट एज अ मुस्लिम, ही इज़ राइटिंग एज अ वेस्टर्न फिलासफर, ही इज़ राइटिंग एज पार्ट ऑफ द साउथ एशियन इंडिक कल्चर, ही इज़ राइटिंग एज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन तुर्किक कल्चर, वो सारे ही इज़ राइटिंग एज अ पार्ट ऑफ द पर्शियन कल्चर, और उनमें सारा डूबा हुआ है, ये शख्सियत है जिनमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। And that makes him a great deal of relevant to all these other areas. So ये जो तश्कीलें नौ हैं और ज़ाहिर है कि उनका जो हमारी रिवायत के साथ जो ताल्लुक है, हमारे बुजुर्गों के साथ जो ताल्लुक है, वो अपनी जगह, जो उनका जदीद दौर के जो चोटी के मुफक्किरीन थे उनके साथ उनकी ज़ाती दोस्तियाँ थी, उनके वो शगिर्द थे, उनसे उन्होंने पढ़ा, जदीद और कदीमों में इकट्ठा नज़र आ रहा है, तो तश्कील नौ की वो हमें एक मॉडल मिलता है। अलामा हमें एक इनफरादी तौर पे एक मॉडल मिलते हैं कि जिनमें जदीद की तश्कील नौ की क्या शक्ल है, हमें इनफरादी तौर पे तो एक मॉडल मिल गया है, लेकिन जो हम नहीं कर सके कि उसको एक इदारे की शक्ल में तब्दील कर सके, तो ये है हमारी जिम्मेदारी कि उस इंफरादी मॉडल को एक इज्तमाई लेवल पे लेके जाएं। पहला ये कदम होगा, ये एक इल्मी सतह पे होगा, जब इतने लोग इस सोच और फिक्र उनके अंदर रच बस जाएगा, फिर वो तब्दीलियाँ हमें माशरे में नजर आनी शुरू होंगी। तो ये एक बहुत बहुत लंबा सफर है, अगर आप तारीख को देखें कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो गालिबन सन 1208 में कायम की गई थी, अभी उसका 800 साल का जश्न मनाया गया सन 1208 में। अब देखें सन 1208 में दुनिया की क्या शक्ल है, और जो बरतानिया है वो दुनिया के नक्शे पे कब आता है, ये तो सैकड़ों साल लगे हैं, सैकड़ों साल की मेहनत के बाद ये पाकड़ ये काम हुआ। तो इसी तरह ये भी एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो अनदर ग्रुप ऑफ क्वेश्चन वह कि रूहानियत और मादियत के दरमियान क्या ताल्लुक है, इसका क्या एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कैसे कायम की जाए, टाइम नहीं है, मैं तो आप इतना ही कहूँगा कि कम अज़ कम अलामा की शायरी आप पढ़ें, जो रहनुमाई आपको उससे मिल सकती है वो पढ़ें, और जो भी आपका शोभा है आप खुद सोचें कि उस शायरी से जो आपको रहनुमाई मिलती है उसका आपके शोबे के साथ क्या ताल्लुक है। ये
ये जद्दोजहद आप खुद करें, और जाहिर है कि जब आप ये जद्दोजहद करेंगे आप थोड़ी सी ठोकरें खाएंगे, आप स्लिप होंगे, आप गिरेंगे, लेकिन ये जद्दोजहद आप जारी रखें। और ये जो मुसलसल जद्दोजहद है ये आपका सबसे बेहतरीन उस्ताद यही है। कोई आपको ये सिखा नहीं सकता, कोई आपको बता नहीं सकता कि हमारे दोनों में क्या बात है। वो अल्फाज बोल सकते हैं, मैं अल्फाज बोल सकता हूँ लेकिन आपको सिखा नहीं सकता। ये जद्दोजहद आपको सिखाई है। और एक जाहिर है कि ये मुश्किल होगी, मेहनत होगी, और इसमें आपको बहुत ही बहुत सारी शायद नाकामी का भी सामना करना पड़े, लेकिन एक मजबूत जैसा ढीठ बना। नो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फेलियर। ये चीज़ आपको सिखाएगी साढ़े बड़े उस्ताद खान कासर और शायद बड़े आप भी समझ आई है कि नहीं है। एक और जब अभी दोबारा एक और बना के जो रूह और बदन के आपस में हैं वो अमली तौर पे ये कैसे इस दौर में अमली इकदाम कैसे होगा, इसमें जो बहुत एक अहम अमली इकदाम है शायद मैंने इम्प्लिसिटली शायद मैंने कहा हो, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली कहना चाहता हूँ कि जो काम करना है इल्मी तौर पे और अमली तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है जब तक हम अपने से जो गैर हैं उनके साथ बात करना शुरू ना करें। जो भी हमारा गैर है, अगर हम शिया हैं तो सुन्नी हमारा गैर है, सुन्नी है तो शिया हमारा गैर है, अगर हम मुसलमान हैं तो मसीह हमारे गैर हैं, यहूदी हमारे गैर हैं, अगर हम ये मुसलमान मसीह यहूदी हैं तो जो लादीन हैं वो हमारे गैर हैं। जो लोग अपने गैर के साथ बैठ के एक महज़्ज़ब बामानी गुफ्तगू नहीं कर सकते वो एक काम करेंगे साथ उसी अपने कुएं में मेंढक बने रहो। और वो कुआ भी बहुत खूबसूरत दादी जगह है और उस कुएं ने भी कोई बुरी चीज़ नहीं कहा है, लेकिन उसी कुएं में मेंढक बन के रहोगे वो भी अल्लाह की मखलूक का रहम और करम होता है। लेकिन ये काम फिर आप ना करें, ये फिर रहने ये आपके लिए नहीं। अगर आप अपने गैर के साथ बैठ के एज इक्वल्स अगर आप नहीं बात कर सकते रहने दो, काम नहीं है। और ये कोई नहीं कह रहा कि जो ये काम नहीं करूंगा वो असल मुसलमान नहीं है, ऐसे कोई फर्क नहीं किया जा रहा। उसी इस काम को बिल्कुल ठुकरा के, बिल्कुल इस काम को करा कर शोर के उसी फिर भी पक्के मुसलमान हो सकते। ऐसे मगर इस कारण जिनसे पूरी दुनिया मुस्तफी हो रही है, क्या वाकई तो लेकिन जौक नज़र जौक सफ़र वगैरह के तजर्ब से ना आशना तो नहीं है, लेकिन उनकी इन तसव्वुरात के बारे में जो इल्म है वो फकत कंसेप्चुअल इल्म है। इसकी हकीकत क्या है मैं यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ वो नहीं जानते। इसकी सारी जिंदगी वाला ना रुके बैठे हैं जी शक्ल देख के ना मानो वो कोई गल नहीं है, लेकिन जी उन्होंने तकरीबन बड़े दस उन्होंने जान में अच्छी तरह उनको नहीं पता कि क्या चीज़ है। उनको ये शौक सफ़र दे आर टेरिफाइड ऑफ शौक सफ़र, ए जर्नी दैट डज नॉट हैव एन एंड, a journey, imagine wanting to go on a journey that does not have an end. सबसे पहले वो इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते, दूसरा तो वो तसव्वुर कर भी सकते हैं, उन्हें इतनी जुर्रत नहीं, इतना जिगर नहीं है कि
ऐसे सफर पे बंदा ना वो जो एक शेर आता है गुजर गया अकल से आगे ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है अब किसी से देख वो कहते भी असी अकल तक पहुंच गए हैं तो बस काम खत्म हो जरा सारी जर्नी आवर जर्नी हैज कम टू एन एंड नाउ द ओनली टास्क लेफ्ट इज जस्ट filling in some details and filling in the gaps, but their journey has come to an end. Yeah, door is indeed a matter of soul with Tomasu time that is not mumkin hai. Agar maate aur room mein Tomasu nahi rakha ja sakta, to heed nahi mumkin. अगर माते और रूह में सही रक्त सही ताल्लुक नहीं किया जा सकता तो ये तौहीद की नफी है अगर मुमकिन है ये नहीं है वो आप जाने आपका काम जाने लेकिन अगर आप ये काम तो ये नहीं कर सकते ये इनमें आपस में क्या रक्त है तो कभी तो नहीं होंगे निज़ाम तली में तरकीब की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं मानव तौर पर ये किसी के पास इतनी सहूलत नहीं और हमें मुहक्किक की ज़रूरत है इसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है क्या हो सकता है जाहिर है कि ये बात है बात की है नॉलेज बेस्ड इकॉनमी नॉलेज बेस्ड नहीं थी ना को मुहक्किक रिसर्च के बगैर ये काम नहीं हो सकता आप बेशक टेक्निकल लेवल पर बात करें आप उससे ऊपर के लेवल पर बात करें जिस लेवल पर भी बात करें ये तहकीक और रिसर्च के बगैर ये नहीं हो सकता एक लिहाज से ये बात बिल्कुल सही है कि सहूलतें नहीं हैं वो माहौल नहीं है वो फिजा नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कायम की गई और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से चंद साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कायम की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कायम करने वाले कौन लोग थे वो भिगोड़े थे भिगोड़े लफ्ज आगे समझ भिगोड़े थे कहाँ से वो भागे थे पेरिस में एक कॉलेज था और कॉलेज जो कॉलेज था उसका नाम था द कॉलेज फॉर 16 पुअर स्टूडेंट्स कॉलेज का नाम ये था वो 12वीं सदी के बिल्कुल आखिर में पेरिस में बनाया गया ये वेस्टर्न यूरोप में पहला कॉलेज है और वहाँ पे क्या हुआ वही अवाम उन्नास को भड़काया गया एक रायट हुआ उन्होंने वो कॉलेज की पता नहीं तमीर को जला दिया या क्या किया लेकिन इतना हुआ कि वहाँ पे जो पढ़ने वाले थे पढ़ाने वाले थे उनको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ना पड़ा और उनमें से चंद एक ऑक्सफोर्ड पहुँच गए तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कायम हुई और वहाँ के कोई ग्रेजुएट निकल के वो कैम्ब्रिज अब ये वो तारीख है तो जाहिर है कि वहाँ पर कौन सा कोई रिसर्च का माहौल था या वहाँ पे वो रिसर्च के रिसोर्सेज थे वहाँ पे कौन था कोई वाकई सिखाने वाला लेकिन जो भी हम देखेंगे आप वो हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज क्या बात कर रहे हैं आप अपनी देखें आप यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनकी आप तारीख को देखें अब मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है 30 साल पहले जो हमारी स्पोर्टिंग गुड्स की यहाँ पे है इंडस्ट्री जो लोगों ने पहली ईंट रखी थी उनका जाके उनसे पूछे क्या हालात थे उसमें उनसे पूछे कितने साजगार हालात थे कितने लोग उनको फूल के हार पहना रहे थे जी आप देख कितना अच्छा काम कर रहे हैं और देखिए हमें बिल्कुल पता है कि आप कितना कामयाब होंगे ये कर रहे थे लोग उनके साथ जिन्होंने पहली ईंट रखी है उनसे जाए पूछे उनको कितने लोगों की तान तान सुननी पड़ी
कितनी लोगों ने उनके सामने रुकावटें रखी, लेकिन वो ना माहौल था, ना वसाइल थे, कुछ भी नहीं था, शायद एक्सपर्टीज भी ना हो, शायद उस वक्त एक्सपर्टीज भी नहीं थी, लेकिन देयर वर दीस पीपल विद दिस विजन और थे थोड़े से खिसके हुए। आप हंस सकते हैं, वो जो जोक है मौलवी भी जोक कर सकते हैं, लेकिन जब तक इस तरह के खिसके हुए जुनूनी लोग जब तक नहीं तैयार ऐसे माहौल में जहां पे ना वसाइल है ना माहौल है और शायद एक्सपर्टीज ही नहीं है, इस यकीन के बगैर कोई काम नहीं होता। तो बात अपनी जगह बिल्कुल बेजान है, लेकिन मैं क्योंकि मुझे बाहर से भी मैं थोड़ा सा वाकिफ हूँ, मुझे बहुत चिढ़ आती है पाकिस्तानियों से बात करते हुए, और मैं भी पाकिस्तानी नहीं हूँ, यही रोना धोना जितने वसाइल यहाँ पे मौजूद हैं हम लोगों को इसका अंदाजा है, जितनी जरदेज जमीन ये है, असली भी बुलाते यूनिवर्सिटियाँ पढ़ फिरे, जितने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर वन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस नोयत की ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे, जिस तरह की इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज यहाँ पे, जिस तरह का इस लिहाज से माहौल, लोग अक गए हैं, वो स्टेटस को से बिल्कुल अक गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव, और भूलती चौथा पांचवा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, जो काम आपको अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सिर्फ डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया है फॉर इस्लामिक स्टडीज, सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज एस्टैब्लिश किया है, इट कॉस्ट $40 मिलियन, यानी एक यूनिवर्सिटी का एक सिर्फ सेंटर $40 मिलियन, $40 मिलियन के साथ आप पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन सकती है, ऐसे भी नहीं कि यहाँ पे वसाइल नहीं है, शायद हो सकते हैं, लेकिन वही है वो थोड़े से खिसके हुए लोगों की जरूरत है, और जो डरे भी ना दुनिया के सामने कह रहे असि है खिसके हुए, तुझे करना कर रहा हूँ, चंद दीवाने हैं जो जमाने से गुजर चले, कहते आजा भी खिस किया हुआ सर, अलामा भी वो नाम नहीं ज्यादा खिस किया हुआ सर, जो लोग आने उन्होंने कॉल इन द बैग की थी वो सारे खिस किया हुआ सर, माहौल था उस वक्त ये काम करने का जो काम वो करना चाहते थे, ना माहौल था ना रिसोर्सेस थी, पूरा जमाना इनके खिलाफ था, सबसे पहले अपने इनके खिलाफ थे, लेकिन काम तो जजाक होना पड़ेगा। रिक्वेस्ट ये है कि डेकोर में ना प्रोग्राम पर लिख के करने आप टाइम देते हैं, आप लिख ले आप इन्वायरमेंट हमारा डिसाइड प्रोग्राम के इंतजाम कर लिख के कर ले हमारे शब्द और जी सबसे पहले मैं सीरियस स्टडी सेंटर और टीचर फोरम की तरफ से प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जगह जो है जहाँ क्षमा रिसालत माफ जलाई गई है, और ये उनके बेहतरीन परवाने या बेहतरीन जानने वालों में हैं, अल्लाह ताला इनकी बता दे, इनके साथी भी पास बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, वो इसी जस्तजू में आए, तो मैं उनकी खिदमत में यही कहूँगा कि ये जैसे सर सैयद ने एक छोटा सा घोंसला बनाया था घास फूस की झोंपड़ी, और फिर सर सैयद यूनिवर्सिटी बनी, यकीन मानिए कि आप ऐसी ही जगह यहाँ
दूसरा मेरे भाई हैं ये इकबाल साहब, ये उनको मैं इतना कहूँगा कि ये मेरा ख्याल है कि दौरे नबी में 10 साल जो बाकी ज़िंदगी थी उसको जानते हैं, 10 साल के बाद आए हैं। अब जो मदीना की ज़िंदगी थी अल्लाह के फजल करम से हम उसी सुन्नत पे चलते हुए ये ताजर कम्युनिटी में आप बैठे हुए हैं, ये मुझे इतना ही बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप सीरत नबी सेंटर या ईमान इकबाल आपको कभी मदीन नजर नहीं आएगा। ये बिजनेस कम्युनिटी है जो ना सिर्फ माती तौर पे दुनिया में आगे हैं, आपके साथ बैठे हैं कि दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल बनाते हैं, लेकिन जहाँ सदारत कर रहे हैं और साहब बैठे हैं एयरपोर्ट के बानी हैं लेकिन सीनियर सेंटर के टॉप पर, जहाँ इकबालियात के सिलसिले में आप तशरीफ लाए। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके नाना अबू के शहर में खुदा हुआ है कि यहाँ कई अलामा इकबाल ज़्यादा हो चुके हैं। आप तसल्ली रखिए, स्लोली एंड स्टेडली यू विल सी कि जिस अदारे में आप बैठे हैं मुमकिन है यही एक बुनियाद बने। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप इंडस्ट्री वालों से पूछेंगे कि पहले दिन उनका क्या हाल हुआ था, और कहते हैं जिसको इश्क खरल है दिमाग का, इसमें अलामा इकबाल का शेर बार लगा हुआ है। ये खालिद साहब के वालिद साहब थे मरहूम ख्वाजा अनवर, उन्होंने ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब को कहा कि ये शेर उनके इश्क से हर वक्त को बाला करके तहर में इसमें मस्त रखने। यकीन मानिए कि जिस अदारे में आप बैठे हैं ये माली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। हमारी दुआ है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये एजुकेशन की डिटेल बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ जो रूहानियत का सफ़र है इंशाल्लाह ये इंसान को इंसानी इतफाक की तरफ दिखाएगा, और रसूल पाक की वो सुन्नत जिसको हमें हर दम भूलना ही नहीं चाहिए उसको उजागर करेगा। मैं इन इंसाफ से आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना हसना हसना कम फिर आसर के हसना कम रब्बना नार रब्बना ज़ालिम दबरे रब्बना ज़ालिम हश्र। या अल्लाह इस अदारे को जो आपके महबूब के नाम से इसकी नस्बत है इसको सही तौर पर सोर्स ऑफ विजडम बना दे। या अल्लाह इसको सही तौर पर वो तालीमी अदारा बना जिसमें हमारे लोगों की मुसलमानों की किरदार साजी हो, क्योंकि सिर्फ तालीम ही हाल नहीं है, जब तक उसके साथ अच्छा किरदार नहीं तो वो तालीम तालीम मुकम्मल ही नहीं। या अल्लाह ये अदारा उसी मंजिल की तरफ गामजन है कि अच्छे किरदार की तरफ बने, और वो किरदार हम सब पे रहम फरमा, हमें अच्छे रहनुमा दे दे। या अल्लाह कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जैसे रहनुमा दे दे, इंशाल्लाह फिर कोई वजह ही नहीं कि ये मुल्क सही मायने में मदीना इस्लामी न हो सके। सल्लल्लाहु तआला अला सैयद खल्क़े ही मुहम्मदिन आलिही। एक मिनट सिर्फ होगी, अब ये दरख्वास्त है मियां साहब आप आइए, ये क्योंकि हमारे सीनियर आई मीन वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रवेदा जी की शीट मेहमान के लिए बनवाई है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है दौलत साहब साहब को पेश करेंगे। ए सी एस सी सेंटर की तरफ से प्रवेश साहब बनवाई है, कुछ बुक्स हैं शेख अब्दुल जब्बार साहब फेसबुक पे देख सकते हैं, वो 24 घंटे के बाद लोड कर देते हैं हम लोग, वो दिक्कत सोरन सीरत लिखेंगे तो आपको ये आ जाएंगे, या इकबालियत लिखेंगे तो इकबालियत आ जाएंगे। जी प्लीज बस ये एक बात सवाल है सब कुछ
अभी भाई मसूद साहब को भी दो सेशन देंगे। प्रोग्राम के बाद ये नमाजे जोहर हम मस्जिद में जाते हैं, आप मिलना चाहें तो मेहमान से मिल सकते हैं। डॉक्टर के साथ